वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं या कुछ करना है इसमें सुधार, तो हो जाए 7 नवंबर से तैयार। नमस्कार, स्वागत है आपका ऑल फॉर ऑल न्यूज में। सभी प्रकार के खबरों को देखने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल ऑल फॉर ऑल न्यूज को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पिछली बार आपने लोकसभा या विधानसभा में वोटिंग किया है तो इस उम्मीद में ना रहे कि वोटर लिस्ट में आपका नाम होगा ही, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग ने 7 नवंबर से 28 नवंबर तक मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य शुरू किया है। वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं इसकी जानकारी के लिए आप 7 नवंबर से तैयार रहे। आप अपने पोलिंग बूथ पर जाकर मतदाता सूची देख सकते हैं और यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके वोटर लिस्ट में किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसके सुधार के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने 7 नवंबर से प्रत्येक रविवार को 28 नवंबर तक पोलिंग बूथ पर आवेदन स्वीकार करेगी। धनबाद जिला निर्वाचन आयोग ने भी जिले के तमाम पोलिंग बूथ पर यह सुविधा शुरू की है। नए मतदाता जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई है वह अपने पहचान पत्र के साथ पोलिंग बूथ पर जाकर अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन दे सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जिले के तमाम बूथों पर यह सुविधाएं दी गई है। इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के मोबाइल ऐप पर भी जाकर आवेदन किया जा सकता है। इन दिनों बूथों पर जा सकते हैं, पहला रविवार 7/11/2021, दूसरा रविवार 14/11/2021, तीसरा रविवार 21/11/2021 और चौथा रविवार 28/11/2021 सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक फोटो मतदाता सूची प्रदर्शित की जाएगी। नया वोटर कार्ड बनवाने के लिए ये कागजात साथ जरूर लेकर जाएं। पहला, 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो। दूसरा, राशन कार्ड की फोटो कॉपी या आधार कार्ड की फोटो कॉपी या जन्म तिथि प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी, उम्र 18 वर्ष की होनी चाहिए। तीसरा, घर के किसी एक सदस्य का वोटर कार्ड की फोटो कॉपी। आप देख रहे थे ऑल फॉर ऑल न्यूज। अगर आपको हमारा न्यूज पसंद आया हो तो आप हमारे न्यूज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।